माइक अनम्यूट कर लें। हाँ जी, बिस्मिल्लाह रहमान। अच्छा, हम इस पे यही बात कर रहे थे कि इस ऑथराइज पर्सन के पास भी कुछ ना कुछ वैलिडेशन होगी जिसकी बेस पे वो चेक कर सकेगा ये जो एक बंदा उसके पास आया है वो वैलिड है, यानी कि सॉरी उसका वाकई नंबर था कि नहीं था, और एक बार अपनी वो रीचेकिंग दोबारा करेगा, ठीक है। लेकिन इसका फायदा ऑथराइज पर्सन को तो नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन ऑथराइज पर्सन को किस सेंस में हो रहा है कि पहले 100 बंदे आते थे, 100 में से 30 ऐसे होते थे जो जिनको वो प्रोसेस करता था, 70 वापस चले जाते थे। लेकिन अब जो 100 बंदा आएगा उसको मे भी शायद 5 या 10 उसे वापस करने पड़े बेस्ड ऑन किसी उसकी वजह से कि भाई उसका डॉक्यूमेंट मिस था या कुछ ऐसा था, अदरवाइज जो है यानी कि 90 बंदे उसको प्रोसेस करने होंगे, ठीक है। तो सेम इसी तरह हमारा जब ये जेक्यूरी इन होती है हमारे पास या जावास्क्रिप्ट इन होती है, ये हमारे पास वो बंदे वाला रोल अदा कर, और जिस तरह सेम हमारे पास रिक्स होता है कि भाई फिजिकल फिजिकल उसमें कि भाई ये इस बंदे पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, सेम इसी तरह हम जो है जेक्यूरी या जावास्क्रिप्ट पे ट्रस्ट नहीं करते। कोई भी चीज आप जावास्क्रिप्ट में या जेक्यूरी में इंप्लीमेंट करोगे तो वो ट्रस्टेबल नहीं है, ये चीज हमेशा माइंड में रखना होगा। आपको वो चीज सर्वर साइड, अब सिर्फ एक अब ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता रहे हैं कि सर्वर साइड और क्लाइंट साइड क्या चीज है, आपको वो चीज सर्वर साइड पे भी इंप्लीमेंट करना जरूरी है, उस ऑथराइज बंदे के पास भी ये अथॉरिटी देना जरूरी है कि वो इन चीज की वैलिडेशन करे। अब इस केस में ना, ये जो हमने एग्जाम्पल लिया, इस केस में ये जो बंदा है जो हमने एक्स्ट्रा हायर किया है ये हमारा क्लाइंट साइड है, और वो बंदा जो अंदर बैठा हुआ है एक रूम में जो इस चीज की वेरिफिकेशन कर रहा है वो सर्वर साइड। अब क्लाइंट साइड और सर्वर साइड क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ये जो क्लाइंट साइड होता है ना, ये रेंडरिंग वर्ड अभी छोड़ दो, ये जो क्लाइंट साइड होता है ना, क्लाइंट जो होता है ना हमारा, ये किसी भी डिवाइस से हमारी एप्लीकेशन को यूज कर सकता है। जब वो डिवाइस पे एप्लीकेशन का जो व्यू आता है ना उसके पास, जिस तरह हम आप लोगों ने अभी ये लॉगिन फॉर्म देखा होगा, इम्प्लीमेंट किया होगा, एम्प्लॉयर का फॉर्म इम्प्लीमेंट किया होगा, वो जो उसे व्यू आ रहा है ना, जो मुझे ये व्यू आ रहा है ये वाला, ये सारा क्लाइंट साइड व्यू है, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारी HTML, CSS और JavaScript या jQuery ये हमारी क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, ठीक है। जब ये व्यू इसके पास आ रहा होता है तो कुछ ना कुछ बटन लाजमी होता है वहां पे, सबमिट का होता है, यानी कि किसी भी फॉर्म के पास ना एक बटन लाजमी होता है। अब इस केस में हमने क्लाइंट को कितनी ऑप्शन दी हुई है, यहाँ पे भी क्लिक कर सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये कहीं पे भी क्लिक कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे याहू का पेज ओपन करता हूं, अब इधर मैं साइन इन पे क्लिक करता हूं, अब ये जो मेरे पास पेज आया ना, ये क्लाइंट साइड पेज आया, ठीक है। और ये जो बटन है, ये बटन जो है ना, ये वो बटन है जो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को लेके सर्वर साइड पे जाएगा। अब ये सर्वर साइड क्या है, सर्वर साइड जब हम कोई भी एप्लीकेशन इंप्लीमेंट करते हैं, जो कल हमारी बात हुई थी, हमें वो कुछ किसी ऐसी मशीन पे रखनी होती है जहां पे वो हमेशा ऑनलाइन रहे, उसे हम कहते हैं सर्वर। ये जो यहाँ की इंफॉर्मेशन यहाँ लेके आएगा ना, तो ये वाली इंफॉर्मेशन क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पे आ जाएगी, और उसके बाद ये जो हम C# यूज करेंगे, SQL यूज करेंगे, ये हमेशा हमारी सर्वर साइड पे यूज होगी, ये चीजें हमारी क्लाइंट साइड पे नहीं यूज हो सकती, ठीक है। ये अभी मैं आपको वेब एप्लीकेशन के लिहाज से बता रहा हूँ, हर एप्लीकेशन का अपने लिहाज से अपनी चीज होती है, लेकिन वेब एप्लीकेशन जो भी हम बनाएंगे उसका क्लाइंट साइड एक बनेगा और उसका सर्वर साइड एक बनेगा। सर्वर साइड के लिए हमने क्या सीखा है, C# और SQL, क्लाइंट साइड के लिए हमने क्या सीख लिया है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और jQuery, ठीक है। अब
अब आपको क्या लगता है कि मैं जब इधर, फॉर एग्जाम्पल, मैं इधर क्लिक करता हूँ इस जगह पे, ठीक है, तो आपको क्या लगता है, क्या इसको ये वैलिडेशन, यानी कि ये इंफॉर्मेशन जो मैंने अभी इंटर नहीं की, ये इंफॉर्मेशन इसे सर्वर पे भेज देनी चाहिए, वहां पे उसे ये बताना चाहिए कि भाई आपने जो इंफॉर्मेशन दिया अभी वो ब्लैंक है या एम्प्टी है, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन फिल करो, या मैं क्लाइंट साइड का एक फंक्शन लिख लूं बजाय इसके कि ये इंफॉर्मेशन पहले मैं सर्वर साइड पे भेजूं, बजाय इसके कि इस क्लिक के बाद ये इंफॉर्मेशन मैं यहाँ भेजूं और वहां पे वो हम, यानी कि वो वाला फंक्शन लगाए स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी, बजाय इसके हम वो वाला फंक्शन लगाए, मैं उसको कहता हूँ कि एक यार जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन इंप्लीमेंट कर देता हूँ, अगर ये जो है टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी है तो उसे मैसेज शो कर दे कि भाई प्लीज फिल इंफॉर्मेशन। इन दोनों में से कौन से अच्छा अच्छी चीज है क्लाइंट जावास्क्रिप्ट वाले क्लाइंट साइड, साइड पे करने वाले ठीक है ना? क्लाइंट यानी कि अब अगर मैं ये काम क्लाइंट साइड पे ना कर रहा हूं तो देखो जो ख्वारी हमें उस पे हो रही थी, क्या नाम है, हमें जो फिजिकल हमने एग्जाम्पल देखी है कि हर बंदा जा रहा है और ऑथराइज पर्सन के पास जा रहा है, हर बंदा जा रहा है ऑथराइज पर्सन के पास जा रहा है, और उसमें से कितने बंदे हैं जो वापस आ रहे हैं, ठीक है, अब हमारी कितनी रिक्वेस्ट कम हो जाएंगी सर्वर साइड पे जाने से, ठीक है, तो ये फायदा है कि अगर हम कुछ क्लाइंट साइड पे ही इंप्लीमेंट करें। अब अगर देखो मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ, फौरन देखो उसने ये मैसेज दे दिया, इधर देखो कुछ भी स्क्रॉल नहीं हुआ यहाँ पे। क्लाइंट साइड और सर्वर साइड का सबसे मेजर जो डिफरेंस आता है, एक जावास्क्रिप्ट, सॉरी एजेक्स एक चीज होती है, वो हम बाद में देखेंगे, अगर एजेक्स यूज ना हो, जो कि अब लोग यूज नहीं करते, पहले बहुत ज्यादा यूज होती थी, अब नहीं करते इतना, एजेक्स का भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बस, अगर एजेक्स ना यूज हुई हो तो ये वाली चीज जो है ना हमेशा यहाँ पे स्क्रोल आना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, अभी देखो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे स्क्रोल करने लग जाएगा, इसका मतलब है जो मैंने इस पे क्लिक किया है ये रिक्वेस्ट इसने अपने सर्वर साइड को भेजी है, और इसके अगेंस्ट जो भी एक्शन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। देखो मैं इस पे क्लिक किया, देख रहे हैं? स्क्रोल होके फिर वापस मेरे पास रिजल्ट आया, इसका मतलब है कि इसने ये जो मेरी रिक्वेस्ट थी इसको सर्वर पे भेजा और वहां पे स्क्रॉल हुआ फिर रिजल्ट मेरे पास आया, ठीक हो गई बात। अब सेम ये वाला फॉर्म यहाँ पे आ गया, मैं नहीं फिल करता, अब देखो बगैर स्क्रॉल के यहाँ पे वो मुझे बता देगा, ये देख रहा, अच्छा इसने जो है ना क्लाइंट साइड नहीं इंप्लीमेंट किया, ठीक है, तो ये चीज हम जज कर सकते हैं कि भाई ये क्लाइंट साइड से आ रहा है या सर्वर साइड से आ रहा है। और मेन जो रीजन है, जो अक्सर बड़ी बड़ी कंपनीज या जो भी है वो नहीं करती जावास्क्रिप्ट पे काम, मेन रीजन ही यही है कि उसे लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन इस पेज पे उसने इंप्लीमेंट किया है इस वाले पे, देखो फौरन आ गया, इधर नहीं गया, फौरन आ गया, ठीक है, तो ये हमारी जो है ना चीजें क्लाइंट साइड कहलाती है, ठीक है। अब ये चीज समझ आ गई क्लाइंट साइड और सर्वर साइड की, कैसे रिक्वेस्ट जाती है और कैसे आती है। अब हमने जो प्रोजेक्ट में चीज सीखनी है ना वो यही सीखनी है कि क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट सर्वर साइड पे कैसे भेजी जाती है, जब एक बार रिक्वेस्ट सर्वर साइड पे चली गई आगे का काम तो आपको ऑलरेडी आता है, यानी कि वो तो आप लोगों ने कह लो कि प्रैक्टिस भी की हुई है और अब मजीद प्रैक्टिस होगी उस चीज की और बहुत अच्छे से हो, यानी कि जब एक इंफॉर्मेशन आगे चली गई, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब मैंने क्रिएट अकाउंट किया, यहाँ पे मैंने सारी इंफॉर्मेशन फिल की, जब ये इंफॉर्मेशन सर्वर साइड पे की तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, क्रिएट याहू अकाउंट, हालांकि क्रिएट अकाउंट करना कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, क्या है कि वो इंफॉर्मेशन सेव करके वो डीबी में रख लेगा, नेक्स्ट टाइम उस अकाउंट से वो लॉगिन कर सकता है, ठीक है। तो अब अगर ये इंफॉर्मेशन सारी मेरी सी शार्प पे चलेगी, सी शार्प के एक फंक्शन में चली गई, तो इसका मतलब आगे का काम तो आप कर सकते हो ना, डैपर से आप लिंक करोगे, डैपर से यानी कि आप इंसर्ट की क्यूरी लगाओगे और स्पेसिफिक टेबल में इंटर कर दोगे डाटा, और जब वहां से सक्सेसफुली इंटर हो जाएगा आप, यानी कि वहां से रिक्वेस्ट सी शार्प को भेजोगे, सी शार्प वापस इसे भेजेगा कि भाई योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड। अब हम इस चीज की तरफ वापस आते हैं कि क्योंकि आपको मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दे रहे हैं एक दो चीजें, अब आप लोगों ने ये काम करना है कि
जावास्क्रिप्ट के थ्रू, अभी जेक्यूरी के थ्रू नहीं, क्योंकि जेक्यूरी हम उसमें कर लेंगे और उससे ज्यादा आसान भी है, इसलिए उसमें कोई इतनी वो नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू आपने वो जो लॉगिन का फॉर्म बनाया हुआ है ना, उस पर वैलिडेशन लगा दी, ठीक है। और वो वैलिडेशन कैसे लगती है कि भाई जिस तरह हम C# में यूज करते थे, सॉरी HTML में यूज करते थे CSS के लिए स्टाइल का टैग, इसके अंदर होता है स्क्रिप्ट का टैग। ये आई थिंक ये वही फॉर्म बना हुआ है, इसके अंदर होता है ये स्क्रिप्ट का टैग, ये वाला। इसके अंदर हम जो है वो चीज कॉल करते हैं, यानी कि इसके अंदर मैं क्या कॉल करूंगा, इसके अंदर मैं ये चीज कॉल करूंगा कि भाई ये जो मैंने यहाँ पे एक इनपुट का टैग लिया हुआ है, एक मिनट, ये मैंने फॉर्म कौन सा बनाया था मैं देख लेता हूँ, ये वाला। अब ये देखो मैं रजिस्टर का बटन क्लिक कर रहा हूँ, तो ये यानी कि कोई भी वैलिडेशन यहाँ पे नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर मैंने अब यहाँ पे ये वैलिडेशन करवानी है, तो मैं क्या करूंगा कि भाई अपना एक फंक्शन बनाऊंगा इधर, ठीक है। इसके अंदर मैं देखूं, ये रहा फंक्शन, सिंटेक्स कॉपी कर लेता हूं, और यहां पे सिर्फ मैं एक अलर्ट लगा देता हूं, देखो सेम ही उसी तरह ही है, यहाँ पे जो है इसने पैरामीटर पास किए हुए हैं, उसके अंदर कोई भी काम आप कर लो। और इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ इस बटन के अगेंस्ट, मैं ये कहता हूँ कि ऑन क्लिक हो जब ये रहा ऑन क्लिक, तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए। मैं वापस इधर आता हूँ, इसे मैंने रिफ्रेश किया, देख रहे हो। अब अगर वो वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, प्री वैलिडेशन का फंक्शन कॉल हो रहा है, तो इसका मतलब है मैं इसके अंदर कुछ भी अब इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि इस क्लिक पे ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। तो मैं यहाँ पे इवन की अगर मैं इसे कहूँ, मैं पहले वाला ईमेल वाला देख लेता हूँ, ये इस कंट्रोल, अगर ये कंट्रोल एम्प्टी है या नल है, यानी कि एम्प्टी है, तो उस केस में मुझे क्या करे, एरर मैसेज शो करे प्लीज इंटर योर ईमेल। मैं क्या करता हूँ, इफ लगाता हूँ इसके अंदर, अब वो मैंने कंट्रोल गेट करना है वो वाला, ठीक है। कैसे गेट करूंगा, अच्छा CSS में कैसे हम गेट करते थे, या तो क्लास की मदद से गेट करते थे या उसके आईडी की मदद से गेट करते थे, यानी कि जो आईडी दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसका आईडी क्या दिया हुआ है, ये है, सॉरी ये है, और यहाँ पे इसकी क्लास ये है, सॉरी क्लास इसमें ये दी हुई है, क्योंकि ये क्लास काफी जगह यूज हुई है, देखो ये भी यूज हुई है, ये भी, तो क्लास की मदद से मैं ये नहीं करूँ, ये वाला मैं आईडी की मदद से करूंगा। अब गेट कैसे करना है मैं भी भूला हुआ हूँ, यहाँ से देख लेता हूँ। वैसे तो आप गूगल पे लिखना डायरेक्ट जाके, तो हाँ ये रहा, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये इसने गेट किया हुआ है। ये जो मैंने एलिमेंट गेट किया है, ये वाला, ये इसकी डॉट वैल्यू, वैल्यू इसके अंदर होती है, अगर इक्वल इक्वल है एम्प्टी के, तो वो क्या करे, इंटर योर वैलिड ईमेल, ये मैसेज उसे दिखा दे, ठीक है। अब मैं उधर गया वापस,
इसको मैंने रिफ्रेश किया, ठीक है रिफ्रेश हो गया, देख रहे हो। और अगर मैं इधर कोई वैल्यू इंटर कर देता हूँ, देख रहे हो वो मैसेज नहीं आया, इसका मतलब है कि ये रिक्वेस्ट सर्वर को गई है। सेम इसी के साथ मैं ये चीज भी इंप्लीमेंट कर सकता हूँ सेम उसी तरह, एंड एंड यानी कि अभी अब मैं नहीं कर सकता क्योंकि इस पे रेगुलर एक्सप्रेशन अप्लाई होंगे कि जो इसके अंदर वैल्यू है, जो ये वैल्यू इंटर हुई है ये वैलिड भी है, वैलिड ईमेल है कि नहीं है, ठीक है। अब जब मैंने ये चीज अप्लाई की, मैं बहुत तेज बंदा था, यानी कि वही मेरे पास सिफारिश है और मेरे पास रिश्वत है, तो यहाँ पे ये मैसेज कह रहा है, मैं कहता हूँ मैं इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाता हूँ, इसके एक्सपेक्ट एलिमेंट में गया, ये यहाँ पे इसने जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है, इस पे मैंने यू राइट क्लिक किया और इसको मैंने कर दिया डिलीट, डिलीट हो गया। एक्चुअली उसने जावास्क्रिप्ट अप्लाई की हुई है, अब देखो इधर मैं नहीं दे रहा कुछ भी और मैं इसे हीट कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे ठीक इसकी एक और जगह से भी खत्म होता है क्योंकि अभी एलिमेंट डिलीट हुआ है, रिफ्लेक्ट नहीं आया इसका इधर, वो सोर्स में होता है नहीं। ये पता नहीं इधर इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा, एक्चुअल में होना चाहिए इफेक्ट। ये खैर इस तरह करके जो है इसे आल्टर कर सकते हैं हम, ये इसका इफेक्ट मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पे उससे परफॉर्म नहीं कर रहा। इसमें से एक टैब होता है जहाँ पे ना ये जावास्क्रिप्ट ही सिर्फ आ रहे होते हैं और आई थिंक वो सोर्स का ही होता है, लेकिन यहाँ पे आ नहीं रहा कुछ। पता नहीं क्यों नहीं इफेक्ट हुआ, खैर ये मैं आपको देख के जो है ना करके बताऊंगा इसका ना कि कैसे ये चेंज होती है। वैसे तो ऐसी चेंज होती थी, मे बी शायद इन्होंने ना चेंज किया हो, मैं ये चीज एक बार इसमें भी देख लेता हूँ। हाँ देखो यहाँ पे हो गई है, मे बी शायद इन्होंने ना ये चीज चेंज की हो कुछ, यानी कि जो रजिस्टर्ड हो गया वो यहाँ पे इम्पैक्ट ना हो कुछ, लेकिन ये देखो यहाँ पे जो है ना हो गई है। मैं इसे दोबारा करके दिखा देता हूँ, अभी ये मैसेज आ रहा है ठीक है, मैं आया इंस्पेक्ट एलिमेंट किया और मैंने इस जो ये फंक्शन कॉल हो रहा है ना इसे खत्म कर दिया ठीक है, और यहाँ पे जब मैंने हिट की ये मैं उसी पे आ गया दोबारा क्या। हाँ अभी समझ, अभी तो दिखाता हूँ। अभी तो हो नहीं गई थी खत्म,
ये फिर मैं देख के बताऊंगा, कुछ तो चेंज हुआ है। पहले ऐसे नहीं होता था, यानी कि यहाँ पे हम डायरेक्टली चेंज करते थे और वो फ्लैग यहाँ पे होता था, और इसकी वजह से जो है हम हिट कर सकते थे, यानी कि जावास्क्रिप्ट को बाईपास कर सकते थे। असल में इसमें से किसी फाइल में होता है, वहां पे भी ये अपने आप को ना रजिस्टर्ड करता है। वो मैं ऑनलाइन देख के ना आप लोगों को बताऊंगा कि ये कहाँ पे रजिस्टर्ड कर रहा है। चलो अच्छा, खैर तो इस तरह करके जो है ना हम ये जावास्क्रिप्ट या जेक्यूरी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इसमें ये डॉक्यूमेंट क्या चीज है, ये आप लोग एक बार देख लेना। यानी कि जितनी भी हमारी जावास्क्रिप्ट के फंक्शन है ना, वो थ्रू डॉक्यूमेंट ही हम गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट और फिर आगे जो उसका फंक्शन यूज करना है ना, वो फंक्शन नेम या जो भी है और उसको कैसे यूज करना है, उसको हम यूज कर सकते हैं। और इसी तरह करके आप इधर से चेक कर सकते हो हाउ टू चेक ईमेल वैलिडेशन यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो आपको वो जो है ना इस तरह के सोल्यूशन बहुत सारे मिल जाएंगे, कैसे जो है ना जावास्क्रिप्ट वो ईमेल की वैलिडेशन लगानी है यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ये देखो, ये उसने फंक्शन दिया हुआ है। अब मैं सिर्फ ये फंक्शन यहाँ से कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा। ठीक है, और इस फंक्शन को, सॉरी ये अंदर पेस्ट हो गया, इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर लूँ। अब वो जो मैं आप लोग को बात कर रहा था कि ईमेल भी होना चाहिए सही, तो वो भी चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, पहले था कि एम्प्टी ना आए, अब जिस तरह ये है, अब वो एम्प्टी नहीं चेक कर रहा है, एम्प्टी की अगेन इफ लगेगी। लेकिन मैं अगर ये एंटर करता हूँ, क्या हुआ, ईमेल वैलिडेशन, अच्छा सॉरी, मेरे पास ये नहीं ना है, ये इसका जो है वो कह रहा है, ये भी अनदर फंक्शन है शायद। क्या तो
है, ये इसकी जावास्क्रिप्ट अप्लाई हो गया कि मैं ब्लैंक भी छोड़ूंगा तब भी वो कह रहा है यू हैव इंटर इनवैलिड ईमेल एड्रेस, मैं इनवैलिड ईमेल एड्रेस कर रहा हूँ तो वो भी यही कह रहा है। और इवन के यहाँ पे जब मैं वैलिड करता हूँ वैलिड ईमेल एड्रेस, तो इस तरह करके जो है ना, यानी कि ये सी जावा स्क्रिप्ट अप्लाई होती है, ठीक है। और अगर आप देखो तो सेम उसी तरह का कोड है इसका, यानी कि ब्रैकेट्स हैं, इफ है, एल्स है, यानी कि जो भी आप लोगों की चीज ज्यादातर रिक्वायर्ड होगी। वैसे ज्यादा इफ एल्स ही चलती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हमारा इस पे चलता। तो इस तरह करके जो है ना, क्लाइंट साइड पे अपने कोई भी वैलिडेशन वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये अगेन वही बात है कि हम इंटरनेट से देख के हेल्प लेके उसको जरा इम्प्लीमेंट करते हैं। बाकी जो चीज मैं अभी बता रहा हूँ कि इसको यानी कि कोई भी क्लाइंट कैसे रेक्टिफाई कर सकता है, वो हम तो पहले ऐसे ही करते थे, लेकिन मुझे भी ये शायद मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है कि जो है ना, यानी कि ये क्यों अप्लाई हो रही है। जिस तरह मैं यहाँ से एलिमेंट, मैंने ये स्क्रिप्ट का एलिमेंट ही डिलीट कर दिया, ठीक है। और अगर फिर मैं जाता हूँ वैलिड ईमेल एड्रेस, यानी कि वो अभी भी जो है ना वही चीज रजिस्टर्ड की भी है उसने अपने अपने पास। तो इन्होंने कोई अपने बैकएंड पे कुछ चेंज किया है, लेकिन ऑब्वियसली ये हो सकती है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकती। तो वो मैं देख के आप लोगों को बताऊंगा कि ये कहाँ पे रजिस्टर्ड हुई हुई है। सिर्फ हमने वहां से डिलीट करना है तो ये वाली जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। जब ये खत्म हो जाएगी तो इसका मतलब है कि जो इस पे फंक्शनलिटी अप्लाई हुई हुई है वो खत्म हो जाएगी। जब वो खत्म होगी तो इसका मतलब है कि हम डायरेक्ट हिट सर्वर साइड पे भेज सकते हैं विदाउट क्लाइंट साइड वैलिडेशन। मैं 2 मिनट में आ रहा हूं, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो वो उस पर डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम जो है ना काम सिर्फ जावास्क्रिप्ट पे करेंगे। जेक्यूरी इससे ज्यादा आसान है, सिर्फ सिंटेक्स ही डिफरेंट होगा, बाकी बिजनेस या लॉजिक सेम है। अब ये देखो, ये इसने काम क्लाइंट साइड पे किया हुआ, यानी कि ये कोई बड़ा काम नहीं था कि हम सर्वर साइड से रिक्वेस्ट लाएं फिर वो करें। कोई बता सकता है ये हो क्या रहा है? बटन कितने किया होगा तो मशीन के नीचे अलर्ट पर लगा है बोलकर ये अलर्ट इसमें कहाँ लगा हुआ है? सब बटन क्लिक हो रहा है उस पे बस वो कलर ऐड हो रहा होगा ना हाँ, कि इसने पीछे सीएसएस चेंज कर रहा है ये। अब इसका हाँ देख भी लेते हैं। अच्छा, ये सीएसएस यानी कि सीएसएस से भी कर सकता है, लेकिन इसकी इमेज चेंज कर रहा है पूरा पूरा क्लाइंट साइड पे रह के। इसके केस में ये वाला इमेज शो हो जाए, उस जब वो वाला क्लिक करे तो ये वाला इमेज शो हो जाए, इमेज चेंज किया हुआ उसने। ऑन के केस पे ये वाला इमेज है, ये वाला, और ऑफ के केस पे ये वाला इमेज शो हो जाए। और अगेन मैंने फंक्शन बना के किया था, इसने देखो डायरेक्ट किया हुआ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कौन सा एलिमेंट गेट किया, ये वाला, ये एलिमेंट क्या है, ये वाला है, उसका सोर्स ये चेंज कर रहा है यहाँ पे। बाकी इसमें कोई इतनी चीज, यानी कि अरिथमेटिक भी देखो कि आप सेम वही है, प्लस माइनस डिवाइड परसेंटेज, ये वो डेटा टाइप भी इसमें है इसकी अपनी सेम इसी तरह, लेकिन इतनी ज्यादा ये यूज नहीं होती क्योंकि मेन काम हमारा सर्वर साइड पे ही होता है। ये देखो ये डाटा है, वहां पे हम वार यूज करते थे, यहाँ पे लेट है, जो सेम वार की फंक्शनलिटी वही लेट करता है। ये ऑब्जेक्ट है, ये सॉरी फंक्शंस है, ऑब्जेक्ट है, इवेंट्स हमने देखे हुए हैं, बस ये इसी तरह की चीजें है इसके। ये डाटा टाइप इसे डिस्कस की हुई है, अरे यूज की हुई है, अरे का भी हमें सारा पता है, तो इसलिए हम इस पे इतना जाएंगे नहीं। लेकिन इसकी असाइनमेंट क्या है कि जो हमने अभी दो काम किए, मैंने जो जिस तरह मैंने अभी ये काम किया था, ये वाली चीजें ना आप क्लाइंट साइड पे अप्लाई करना कि ये एम्प्टी ना हो, ये एम्प्टी ना हो, ये एम्प्टी ना हो, ये एम्प्टी ना हो। फिर क्लाइंट साइड पे अप्लाई करना, इसकी मिनिमम लेंथ 10 से ज्यादा हो, भाई नेम 10 से तो ज्यादा ही होगा ना, ठीक है। इवन के मोहम्मद अली हो तो वो भी 10 से ज्यादा ही है क्योंकि दो नेम लेते हैं, या चलो 8 से ज्यादा कर देना। फिर यहाँ पे ये वैलिड ईमेल हो, ओके। फिर
ये पासवर्ड जो है उसकी लेंथ वेरीफाई करो, एक यहाँ पे इफ लगाओ कि ये दोनों सेम होने चाहिए, यानी ये क्लाइंट साइड पे ही चेक कर लो कि भाई ये जो दोनों पासवर्ड है ये सेम है कि नहीं है, बजाय इसके कि सर्वर साइड, फिर वो सर्वर साइड पे रिक्वेस्ट भेज दे, वो इसे बताए कि भाई आपका पासवर्ड जो है ना वो मैच नहीं कर रहे, ठीक है। इसमें ये वेरिडेशन हो गई। फिर अपने लिहाज से आप लोगों ने जो फॉर्म इम्प्लीमेंट किया है रजिस्ट्रेशन का, उसमें अपने लिहाज से देखो क्या क्या क्लाइंट साइड वैलिडेशन बन सकती है, वो इम्प्लीमेंट करो। और सारी अभी जावास्क्रिप्ट के थ्रू करनी है, जेक्यूरी के थ्रू नहीं करनी। प्रोजेक्ट में हम जेक्यूरी के थ्रू करेंगे, क्योंकि अगेन वही बात, जेक्यूरी से ज्यादा आसान है, तो अगर इसकी समझ आ गई है तो वो फिर जेक्यूरी तो कुछ भी नहीं ना रही। बाकी जावास्क्रिप्ट या जेक्यूरी में मेन कंसेप्ट यही था जो हमने इतनी कह लो के डिस्कशन की है ना, वही मेन कंसेप्ट था कि क्लाइंट साइड हमने कोई भी फंक्शनैलिटी जो अप्लाई करनी है ना वो थ्रू जावास्क्रिप्ट के ही कर सकते हैं हम, और वो मैंने आप लोगों को दिखा दी है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है, ठीक है। बाकी जब इंशाल्लाह हम प्रोजेक्ट करेंगे उसमें आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि हाँ ये चीज हम क्लाइंट साइड करके बजाय इसके कि हम सर्वर को रिक्वेस्ट भेजें उससे पहले वैलिडेशन लगा देते हैं। तो इससे रिलेटेड किसी का कोई क्यूरी है तो पूछ ले, क्योंकि अब जो है कल का गैप है, क्योंकि कल शायद यानी कि ना हो क्लास, तो परसों से जो है ना इंशाल्लाह हम लोग जो है ना वो प्रोजेक्ट पे स्टार्ट कर देंगे काम अपना, ठीक है। तो उस पे सब लोग जो है ना सही एनर्जी के साथ जो है ना आप लोगों को करना है, और बाकी 2 ढाई महीने उस पे काम करो तो फिर बाकी इंशाल्लाह गारंटी मेरी है कि आप लोग जो है ना अच्छे जगह पे जो है अप्लाई कर सकते हो इजीली। यहाँ पे किसी की कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चंस? चलो ठीक है, फिर आप इसकी अब प्रैक्टिस करो। इसमें जो है ना ये चीज वैसे खुद भी पढ़ लेना थोड़ा, ये डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये जो हमने देखा था ना अभी, ये वैसे यहाँ पे बताया ही होगा यहीं कहीं पे कि डॉक्यूमेंट किस लिए यूज होता है, तो वो आप देख लेना। तो बाकी तो बस यही है बस इसका, इवन के यानी कि मैं भी ऑनलाइन करके ही ये चीजें सारी देखता हूँ। ये दे एक बार ये पढ़ लेना कि भाई कब आई, कब इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है। तो उसके बाद आगे जो है ना आप लोग उस पर काम शुरू कर देना। ये चीज याद रखना, ये इसने स्पेशल लिखा हुआ, जावा स्क्रिप्ट एंड जावा आर कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेजेस, यानी कि इवन के वो कंसेप्ट के लिहाज से भी और डिजाइन के लिहाज से भी, दोनों लिहाज से ये डिफरेंट है। तो कभी ये मिक्स ना करना कि जावा स्क्रिप्ट और जावा सेम है, इवन के जावा का इससे कोई लेना देना भी नहीं। जावा अलग कंपनी, ओरेकल कंपनी की है, अलग कंपनी की है, सब कुछ अलग है, जबकि जावा स्क्रिप्ट वो सब कुछ अलग है। चलो ठीक है, फिर मैंने भी अभी एक काम जाना है, इंशाल्लाह फिर बात होगी। तो अगर कोई क्यूरी हो तो वो वॉइस मैसेज पे भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन इसकी लाजमी प्रैक्टिस करना क्योंकि परसों से हम प्रोजेक्ट शुरू कर लेंगे, और उसमें तो फिर वो सारी चीजें हम मिक्स करके ना हम इंशाल्लाह उस प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे चीजों को। ओके ओके फिर मेहता से, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।